गोल्ड फिश एक कोल्ड वाटर फिश है, उसके बावजूद हमें एक्वेरियम में एक हीटर की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी हम गोल्ड फिश को रखते हैं और ठंड का मौसम आता है तो गर्मी से ठंड की तरफ जाते टाइम काफी टेम्परेचर डिफरेंस होने लगता है। कभी दिन में गर्मी हो जाती है, रात में एकदम से टेम्परेचर गिर जाता है, ठंड पड़ने लगती है। तो एक ही दिन में इतने ज्यादा टेम्परेचर चेंज की वजह से हमारी गोल्ड फिश बीमार पड़ सकती है, उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। आप ये तो जानती है गोल्ड फिशेस, बल्कि जो एक्सोटिक गोल्ड फिशेस होती है जैसे ओरेंडा, रेंचो, यूकिन, वो काफी सेंसिटिव होती है और उनको केयर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। इसलिए हम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से जब टेम्परेचर चेंज होता है बाहर तो एक्वेरियम में एक एवरेज टेम्परेचर हमेशा रहता है और हमारी फिशेज भी कम बीमार पड़ती है। तो अगर आप गोल्ड फिश कीपर हो तो एक हीटर आपके पास होना मैंडेटरी है, और जैसे ही आप सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हो तब भी हीटर होना चाहिए, और गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हो तब भी हीटर आपके पास होना चाहिए, और पूरी ठंड में हीटर ऑन रखना पड़ता है जिससे डाइजेशन इजी हो और आपके फिशेज हेल्दी हो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।